बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं सातवें आसमान पर हूँ इस वक्त एंड आई थिंक मैं ही नहीं, हम जो चार और हैं. फिल्म आ रही है बदमाशी जी, यहाँ पे काफ़ी बदमाशी करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, फोटोशूट वगैरह हो रहा है जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि हम लोग हमारे एक्टर्स को एक मेकओवर काइंड ऑफ दे रहे हैं. कंप्लीट अलग लुक है जो बदमाशिया में इन लोगों ने नहीं स्पॉट किया है, पर इनके कहीं ना कहीं कैरेक्टर से रिलेटेबल है. आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से इन लोग सब ड्रेस्ड अप हैं और वी आर जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि हमारी जो पिक्चर का टैगलाइन है फन नेवर एंड्स, एक्चुअली फन नेवर एंड्स बदमाशिया, दैट्स द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट. तो अभी तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं रिलीज को एंड वी डोंट वांट टू स्टॉप द फन. इसको हमें रोज़ इंक्रीज ही करना है, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं जब तक हमारी पिक्चर रिलीज़ नहीं होती, ताकि लोगों को देखकर भी मज़ा आए और हमें करते हुए भी मज़ा आए. एंड दैट्स व्हाट बदमाशिया इज ऑल अबाउट. एक्चुअली हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर से. बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया है कि अच्छी पिक्चर लग रही है, फ़नी लग रही है, फ्रेश लग रही है. जो म्यूज़िक है मूवी का ऑलरेडी बहुत पिकअप कर रहा है, जो शैतानिया सॉन्ग है या थोड़े से हम जो कल लॉन्च हुआ है, जो मिक्का का गाना है जो शाहरुख के ऊपर है, वो भी बहुत कैच कर रहा है नॉर्थन सेक्टर में. वी आर हैप्पी एज फार एज द रिस्पॉन्स हैज़ बीन. और हाँ, मुझे लगता है कि जब पिक्चर देखेंगे लोग तो वो डेफिनेटली उनको और भी अच्छा लगेगा. प्रोमो से कहीं ज़्यादा अच्छी है पिक्चर जी. जी फिलहाल अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस मिला नहीं है. और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा. पहली बात तो यह है कि हमें कोई लीगल नोटिस मिला नहीं है, हमारी पब्लिसिटी रुकी भी नहीं है अभी तक और चल भी रही है. दूसरी बात यह है कि जो परमिशन है कोरियन मूवी बनाने का, वो परमिशन हमारे पास है. और सोनी ने या MSM ने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कि उनके पास राइट्स है, उन्होंने बोला था कि कलाइडोस्कोप के पास राइट्स है. और जहाँ तक कि हमारे ऑफिशियल ईमेल्स हैं और हमारे पास जो परमिशन्स आई हैं कोरिया से, उसमें साफ नज़र आता है कि हमारे पास वो राइट्स है. जो मूवी वो बना रहे हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी सालों से बन रही है और मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई पिक्चर बन रही है. मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक पिक्चर बनाते टाइम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यू नो समवन लैंडेड अप इन सम काइंड ऑफ एन इशू, पर अभी तक हमारे ऊपर कोई भी लीगल नोटिस आया नहीं है. सेकेंडली, जो उनकी कंपनी है उन्होंने कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन दिया नहीं है कि उनके पास कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स है, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर दे बाय द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिल्म जो है अब्रॉड की, वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन देते हैं. और ये अभी तक हमें कलाइडोस्कोप या MSM से मिला नहीं है, तो आई डोंट रियली थिंक दैट दैट शुड मेक आ मूवी सफर. मुझे लगता है कि बदमाशियाँ जो रिलीज़ हो रही है वैलेंटाइन मंथ में रिलीज़ हो रही है, और कोई भी ऐसी मूवी नहीं रिलीज़ हो रही जो रोमांटिक मूवी है ये महीने में. सो आई थिंक दिस ईयर वैलेंटाइंस डे शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन द 27th of February, बिकॉज इट्स अ रोम कॉम. यू आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिस फिल्म एंड हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. फिल्म आ रही है बदमाशी जी 27th जी, क्या एक्सपेक्ट कर रही है और ट्रेलर को देख के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी लोगों को? जी, बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. मैं सातवें आसमान पर हूँ इस वक्त एंड आई थिंक मैं ही नहीं, हम जो चार और हैं, हम पांचों बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर. और प्रोमोस के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और गाने फिल्म की बहुत बड़ी USP है इनफैक्ट. और हमारी फिल्म में गाने ऐसे हैं कि वो गाने डालने के लिए नहीं डाले हैं, बट वो कहानी को आगे लेके जाते हैं, तो दे आर वेरी सिचुएशनल. दो बहुत ही रोमांटिक अच्छे गाने जो वैलेंटाइंस डे के लिए, यू नो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिलीज देम. और उसके अलावा एक मीका का सॉन्ग है जो बहुत तड़कता भड़कता डॉन सॉन्ग है हमारा, एक फन सॉन्ग है, सबके अनप्लग्ड वर्जन्स हैं एंड द म्यूजिक इज़ डेफिनेटली लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द फिल्म. वैलेंटाइंस की बात हो रही है तो जी, प्लान्स हैं आपके वैलेंटाइंस के लिए? वेल, मैं इस बार का वैलेंटाइंस पहली बार प्रमोशंस करते हुए बिता रही हूँ, सो आई थिंक हम को एक्टर्स ही एक दूसरे के वैलेंटाइंस हैं इस बार. जी, यहाँ पे जो फोटोशूट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए. वेल, ये एक ऐसा फोटोशूट, इट्स अ फैशन शूट फॉर बदमाशियाँ हम चारों का. इट्स जस्ट वी आर डूइंग लाइक अ लुक, अ फैशन लुक फॉर अ मैगजीन आई थिंक और समथिंग. सो वेल, मैं कहना चाहती हूँ कि
आपके सारे व्यूवर्स से द 27th of Feb इस बार का वैलेंटाइंस डे है एक्चुअल. आप ये वैलेंटाइंस मंथ को एक अच्छे नोट पे ख़त्म कर सकते हो इस फिल्म के साथ. इट्स अ म्यूजिकल रोमकॉन, बहुत अच्छा म्यूजिक है, रोमांस है, कॉमेडी है, कौन है मतलब ठग तो रही हैं हम, और बहुत सारी मस्ती है. सो आई एम श्योर यू आर गोना लव इट.